हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS एकेडमी. दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये है लेक्चर. हम आज से स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको ऑलरेडी NCERT इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया है जो आपको 8:30 बजे शाम को मिलता है. अब उसके साथ साथ हम दूसरी NCERT दूसरे कंपोनेंट की स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ साइंस. साइंस की NCERT हम स्टार्ट करेंगे बराबर क्लास 6 से लेकर 12 तक हम करेंगे. और इसमें चैप्टर 1 जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. ठीक है, तो फूड के बारे में हमें इसमें पढ़ना है. फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, दिस इज़ द टाइटल ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ बेसिक साइंस, क्लास 6 NCERT. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिख के हैं फूड के बारे में, न्यूट्रिशियस सबस्टेंस दैट पीपल और एनिमल्स ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ. फूड क्या होता है? फूड वो न्यूट्रिशियस सबस्टेंस होता है जो लोग या जानवर खाते हैं, पीते हैं या प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. किसके लिए? अपनी लाइफ को मेंटेन के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ के लिए. ठीक है, तो फूड जो है वो न्यूट्रिशियस सबस्टेंस है जो लोग और एनिमल्स खाते हैं, पीते हैं या प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ. ठीक है, उसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. तो जो डिफरेंट रीजन्स में लोग फूड खाते हैं ना, उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं. जैसे कि आप देखोगे जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल वगैरह देखोगे, वहाँ पे राइस कल्टीवेशन ज़्यादा होती है तो राइस खाते हैं लोग. अगर आप मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे वहाँ पे वीट की रोटी खाते हैं. अगर आप पंजाब की बात करेंगे वहाँ पे आपको लस्सी और मक्की की रोटी मिलेगी. ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आपको मिलेगा. अगर आप लद्दाख में जाओगे आपको आपका डिफरेंट फूड मिलेगा. अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे, जम्मू में अलग फूड टाइप मिलेगा. कश्मीरी जो है फूड स्टाइल अलग है, वाजवान है. ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंसेस है फूड में. द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो मेन सोर्स होते हैं ना हमारे खाने का, खुराक का, वो प्लांट्स और एनिमल्स है. कैसे? अगर हम वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो जैसे साग होता है, आलू होते हैं, प्याज होते हैं, गाजर होते हैं, तो प्लांट्स का ही है ना. या फ्रूट्स हम लेते हैं, एप्पल, एप्रिकॉट, ठीक है, बनाना, वो सारे प्लांट्स से आते हैं. एनिमल का ले ले तो मीट, चिकन, चीज़, मिल्क और बहुत सारी जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, इसके एनिमल्स के वो हम, या घी होता है तो वो हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड. फूड सोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स, देखो एग्जाम्पल यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये सारा कुछ हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रख लेना. इवन MCQs आते हैं ये सिंपल वाले क्वेश्चन भी वहाँ पे गलत होते हैं. वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड ऑयल्स, ये कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से आते हैं. अगर हम फूड सोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स की बात करेंगे तो वो उसमें क्या क्या आता है? मिल्क आता है, एग आता है, हनी आता है, मीट, फिश. ठीक है, मिल्क, एग, हनी, मीट, फिश, ये एनिमल सोर्स है हमारे फूड का. अदर सोर्स ऑफ फूड आर सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर भी हमारे खाने में इस्तेमाल होता है बहुत तादाद में. एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बिवोर्स. वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बिवोर्स बोलते हैं. जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, बस एनिमल का कोई फूड वो नहीं खाते. फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, शीप, आपने देखा भी होगा गाय सिर्फ घास खाती है या प्लांट डेरिवेटिव्स वो खाती हैं फीड. गोट भी हर्बिवोर्स है, शीप भी हर्बिवोर्स है, जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं. एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवोर्स. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल खाएंगे, प्लांट का कोई चीज़ नहीं, सिर्फ एनिमल खाएंगे, उनको हम कॉर्निवोर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसमें? टाइगर, लॉयन कॉर्निवोर्स है, क्योंकि टाइगर और लॉयन सिर्फ वो मांस खाते हैं, वो जो है फ्लैश खाते हैं, वो एनिमल्स बेस्ड फूड खाते हैं, वो प्लांट बेस्ड फूड नहीं खाते, इसलिए उनको हम कॉर्निवोर्स बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. ऐसे जानदार, ऐसे जानवर जो दोनों खाएंगे, एक तो प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे, एनिमल बेस्ड फूड खाएंगे, उनको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं. ठीक है, तो इवन हम ह्यूमंस भी ओमनिवोर्स हैं. हम प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल डेरिवेटिव भी खाते हैं. हम ज़्यादातर मतलब जैसे हम मैं ओमनिवोर्स हूँ, मैं प्लांट बेस्ड भी खाऊंगी, मैं क्या खाऊंगी, मैं मीट भी खाती हूँ, सारा कुछ. ठीक है, कुछ होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ वेगन होते हैं, जो वो तो अंडा और चीज़ भी नहीं खाते. ठीक है,
तो ओमनीवर्स में एग्जांपल है, अगर एनिमल्स की बात करेंगे, बियर्स, फॉक्सेस एंड डॉग्स. ठीक है, डॉग दोनों चीज़ें खाते हैं, फॉक्सेस भी दोनों चीज़ें खाते हैं, और बियर भी. आपने देखा होगा बियर तो एक तो एनिमल को भी खाएगा, और बियर क्या है, बियर सारे फ्रूट्स वूट्स खा जाता है. एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड इज कॉल्ड स्कैवेंजर्स. याद रख लेना, ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवर खाते हैं या डिकेइंग फूड जो सड़ा हुआ खाना होता है उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं. ठीक है, एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड, जो मरा हुआ जानवर या डिकेइंग खराब हुआ खाना या डिकेइंग जानवर ही या डिकेइंग फूड ही खाएंगे उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है स्कैवेंजर्स की, हाइनास एंड वल्चर. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स है स्कैवेंजर्स की. वल्चर की मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे पारसीज होते हैं ना, आई थिंक हाँ पारसीज ही पारसीज होते हैं ना, तो हाँ पारसीज ही होते हैं जो क्या कहते हैं, कब जब उनको कोई मरता है, ये एक रिलीजन है ना पारसीज का, या जुडेइज्म है, दो में से एक है, वो उन जिनके वो फायर अल्तार्स होते हैं, जब वो मरते हैं उनका कोई वो उनका एक साइलेंस टावर होता है वहाँ पे, हर जगह पे बना के वो उठाते उस मरे हुए इंसान को वहीं पे डालते. क्यों, वो बोलते हैं कि ये फिर वो वहाँ पे रखते हैं सो दैट उसको वल्चर्स खाए, एनवायरमेंट साफ हो जाए. ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि वल्चर्स को की ब्रीड को मेंटेन करने के लिए जो मरे हुए जानवर होते हैं ना उनको रखते हैं वल्चर्स पार्क में, जहाँ पे वल्चर्स ज़्यादा, या वल्चर वाले एरिया में, सो देट कि वल्चर्स को खाना मिले, सो देट कि अगर वल्चर वो खाएंगे सारा तो एनवायरमेंट भी गंदा नहीं होगा. ठीक है, तो वल्चर क्या करता है, कम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स की, डेड एंड डिकेइंग फूड खाता है, तो वो क्या है, वो स्कैवेंजर है. बात समझ आ गई यहाँ तक? तो हमने इस चैप्टर में देखा कि हर्बीवर्स क्या होता है, कार्निवर्स क्या होता है, ओमनीवर्स क्या होता है, और स्कैवेंजर्स क्या होता है, ये हमने मेन चीज़ें देखी. और हमने देखी प्लांट बेस्ड फूड क्या होता है, एनिमल बेस्ड फूड क्या होता है. ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 1. अब चैप्टर नंबर 2 हम इसी के साथ करेंगे, जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें हमें पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले इसमें न्यूट्रिएंट्स का बताया गया है, फूड सबस्टेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स हम किसको बोलते हैं, वो ऐसे फूड सबस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स. तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हमारे फूड में, वो क्या क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिंस है, मिनरल्स है. ये आपने डे टू डे लाइफ में भी सुना होगा. इसके अलावा क्या होता है, फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स और वाटर. फूड में वाटर भी होता है, ठीक है, मॉइस्चर वाटर भी होता है और फाइबर्स भी होते हैं. तो जो हम खाना खाते हैं ऑब्वियसली उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी, मिनरल्स भी, फाइबर्स भी और वाटर भी. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं ना, ज़्यादातर मैक्सिमम वही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स दे आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. देयर मे बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, या वो सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं. जैसे हम राइस लेते हैं, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, हम जब खाते हैं तो हमें एनर्जी आती है, या हम रोटी खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है. फैट्स, दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट. जो फैट्स होते हैं ना वो राइस वाइस में ज़्यादा ज़्यादा नहीं होते. जैसे हम मीट खाते हैं, फैटी मीट खाते हैं, उसमें फैट्स होता है, बटर खाते हैं उसमें होता है. तो फैट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनमें एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा. ठीक है, याद रख लेना ये पॉइंट. फिर यही क्वेश्चंस बनते हैं जो बेसिक बुक्स में होते हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. तो फैट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है मिनरल्स. दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल amounts. It is essential for growth and development of bones, teeth and red blood cells. जो minerals होते हैं ये हमारी body को बहुत small amounts में चाहिए होते हैं, बहुत कम तादाद में जो है चाहिए होते हैं. ये इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे बोन्स, टीथ, रेड ब्लड सेल्स, हमारे बोन्स को बनाने में, टीथ को मेंटेन रखने में, या हमारे जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं हीमोग्लोबिन, उनको मेंटेन करने के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये बहुत कम तादाद में हमारी बॉडी को चाहिए. उसके बाद आती है बात प्रोटीन्स की. दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी. जो हमारी हमारी बॉडी कैसे बनेगी, हमारे मसल्स कैसे बनेंगे, वो बनते हैं प्रोटीन से. ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन, तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं.
बात समझ आ गई। उसके बाद है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या है, ये ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं दैट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। वाइटामिन्स होते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं, मतलब ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वाइटामिन ई ए ए डिफरेंट वाइटम्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वाइटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, ठीक है, अगर आपको इन वाइटामिन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो आपको बहुत सारी डिजीज होने का खतरा होता है। जैसे अगर आपको वाइटामिन ए कम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, आँखों की लाइट में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर आपका विटामिन सी कम हो जाएगा, आपके दांतों की गम से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर आपका विटामिन डी कम हो जाएगा, आपके बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अगर आपका विटामिन ई कम हो जाएगा, आपके बालों और सिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना आप ये विटामिंस का तादाद मेंटेन, आप विटामिन ई अच्छा खाएंगे, आपका स्किन, आपका इम्यूनिटी, आपका आपके बाल आप सही रहेंगे। आप विटामिन सी सही तादाद में खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी, ठीक है। उसके बाद होता है रफेज। इट्स डाइट्री फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बाउल्स एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। जो रफेज मतलब होता है कि फाइबर कॉन्टेंट जो हमारे फूड में होता है ना, उससे क्या होता है, वो हमारी जब फूड हमारे स्टॉमक में, उसके बाद इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, उससे हमारी बाउल मूवमेंट सही रहती है। मतलब उसे जो है ये हमें बचाता है कॉन्स्टिपेशन से, ठीक है। जो एक्सक्रीशन हमारी होती है वो सही होती है, उससे हमारा जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और हमारी बॉडी सही से काम करती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट हम किसको बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होता है, इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद एडुकेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस्ड डाइट होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो एक हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो और सही मकदार में, और जिसके साथ राइट अमाउंट ऑफ रफेज ही फाइबर होगा और वाटर होगा, उसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। मतलब सारे न्यूट्रन जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और जिस मकदार में ज़रूरत होती है विद रफेज एंड वाटर, ठीक है, इसको हम बैलेंस्ड डाइट भी बोलते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज किसको बोला जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं वो डिजीजेस, दीज आर द डिजीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द डाइट, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, कैसे हो जाती हैं, ये वो डिजीज होती हैं अगर हमें बहुत, फॉर एग्जांपल किसी को विटामिन ए कम हो गया और बहुत समय तक उसने विटामिन ए वाली चीज़ें नहीं ली, तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर उसने ऐसा डाइट खाया जिसमें विटामिन ए नहीं होगा, ऑब्वियसली उसको क्या हो जाएगा, उसके नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, उसको आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। या अगर बहुत टाइम से इंसान तक विटामिन सी वाला डाइट नहीं खाया, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, उसके गम्स वीक हो जाएंगे, जो दांत के गम्स होते हैं ना वो वीक हो जाएंगे, तो उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। जो हमें वो डिजीज़ होती हैं जो रिक्वायर्ड जो हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अगर हम नहीं खाएंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो डिजीज़ हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स देखें, देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, किस चीज़ की वजह से, किस चीज़ के कम, किस न्यूट्रिएंट के कम होने की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं। देखो प्रोटीन अगर कम हो जाएगा उसे क्या हो जाएगा, उसे क्वाशकार हो जाएगा। क्वाशकार में क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, थिनिंग ऑफ लेग्स, प्रोट्रूडिंग बेली, तो बॉडी ही डिफॉर्म हो जाएगी उसको हम, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्वाशकार हो जाएगा, उससे बॉडी की ग्रोथ आपकी सही नहीं हो जाएगी, आपकी लेग्स की ग्रोथ सही नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, प्रोटीन दो और कार्बोहाइड्रेट दोनों कम हो जाए, उसे मरसमस होता है, उसे क्या होता है, कंप्लीट पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, लैक ऑफ एनर्जी, आप टायर्डनेस आपको फील होगा बार बार, और ओवरऑल जो आपकी बॉडी की हाइट वेट जो ये है या मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएंगे, मरसमस उसको हम बोलते हैं, जो कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसके बाद अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी की अगर कम हो जाएगा तो उससे रिकेट्स होता है, उसको हम उस बीमारी को रिकेट्स बोलते हैं, जैसे बालूड लेग्स, बेंट स्पाइन, डिफॉर्म्ड बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है, तो उसे लेग्स में, स्पाइन में, बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है उसकी कम होने की वजह से रिकेट्स, एक उस डिजीज़ को हम रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी स्पाइन के लिए, हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तो उसे रिकेट्स होने का खतरा होता है। अच्छा, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है। अगर विटामिन सी आप बहुत टाइम तक नहीं खाओगे उसे एक डिजीज़ हो जाएगी, उसको स्कर्वी बोलते हैं। उसे क्या होता है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स एंड वीकनेस, तो उसे क्या हो जाएगा, आपकी जो दांत है अंदर से, मुंह में जो दांत है, दांत में जो मसल्स है, गम्स है, वो वीक हो जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, वहां से जो है ब्लीडिंग हो जाएगी।
अगर आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें उस डिजीज को हम बोलते हैं गोइटर, उससे एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड रिटार्डेड ग्रोथ, उसे क्या हो जाएगा थायराइड ग्लैंड की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस भी हो सकता है, जिसको हम थायराइड भी बोलते हैं, थायराइड डिजीज हो सकती है उससे, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हो जाएगी तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं गोइटर। अगर आयरन की कमी हो जाती है, आयरन एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी जो है ब्लड में, अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो एनेमिया हो जाएगा, एनेमिया से क्या होता है फिर फटीग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, पेल स्किन होता है, तो बोलो जर्द पड़ जाते हैं, पेल स्किन हम बोलते हैं ना कि ये इसका फेस इतना जर्द होगा, इसको शायद खून की कमी है, तो एनेमिया होता है जिसको खून की कमी होती है, अगर आयरन की डिफिशेंसी हो जाएगी उसे एनेमिया होता है, और ज़्यादातर वुमेन और गर्ल्स एडोलेसेंट गर्ल्स और वुमेन में एक बीमारी पाई जाती है, वो एनेमिक होती है, ठीक है, उनकी उनकी खून की तादाद कम होती है बॉडी में ड्यू टू आयरन डिफिशेंसी, और उसे फिर क्या होता है वो थकी थकी सी रहती है, उनका भूख नहीं होता है, उनका जो स्किन होता है वो पेल कलर का हो जाता है। बात समझ में आ गई? आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये करती हूँ, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये निमोनिक्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बीमारी याद रखनी है, आप कैसे रखोगे याद? डी आर क्या होता है? डॉक्टर होता है ना, डी आर डॉक्टर, हम डॉक्टर के साथ लिखते हैं, आपको सबको पता है। तो डी फॉर विटामिन डी, आर फॉर रिकेट्स, ठीक है, तो विटामिन डी की डिफिशेंसी से रिकेट्स होता है, डॉक्टर आपको याद रखना है डी के टाइम। अब आपको विटामिन सी की याद रखना है, कैसे रखोगे? सी एस, सी एस मतलब सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज आपको पता है, सी एस सिविल सर्विसेज, सी फॉर विटामिन सी, एस फॉर स्कर्वी। बात समझ आ गई? ठीक है, तो अगर आप आयरन की डिफिशेंसी याद रखोगे, आई ए एस, आई एस से क्या होता है, आई फॉर आयरन, एस फॉर सॉरी आई एस ऐसे याद रखना है, आई फॉर आयरन, ए फॉर एनेमिया, ठीक है, ठीक है, एस फॉर स्किन, इससे पेल स्किन हो जाता है, आई फॉर आयरन, ए फॉर एनेमिया एंड एस फॉर स्किन, आई एस, इससे पेल स्किन हो जाता है, ठीक है, बाकी तो आपको याद रहेगा ही, फटीग हो रही है, तो इससे इसके बाद है पी सी एम, पी सी एम में आपको कैसे बताऊंगी याद कर, ट्वेल्थ में हम क्या सब्जेक्ट्स लेते हैं, कोई पी सी एम भी लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, पी सी एम, तो अगर अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी उससे जो डिजीज़ होगी वो मरसमस होती है, उसको हम मरसमस बोलते हैं, जिसे ग्रोथ ही कम बंद हो जाती है, इंसान ग्रो ही नहीं करेगा, तो पीसीएम हम सब्जेक्ट लेते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, तो अगर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की दोनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे डिजीज़ का जो होती है ना वो मरसमस होती है, ठीक है। उसके बाद पी के, आपको पता है इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन खुद की का कौन मानता है, इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म यहाँ फैलाता है, तो पी के आपको याद आएगा पाकिस्तान, पी के, ठीक है, तो प्रोटीन की डिफिशेंसी की वजह से आपको क्वाशकार होता है, ठीक है, पी के, पी के मतलब पाकिस्तान, और उससे प्रोटीन की डिफिशेंसी से आपको क्वाशकार होता है, ठीक है। तो आपने ये न्यूमोनिक्स याद रखे, डॉक्टर विटामिन डी एंड रिकेट्स, डी आर डॉक्टर, सी एस सिविल सर्विसेज, विटामिन सी एस कर्वी, आई एस आयरन की डिफिशेंसी से एनेमिया हो जाते हैं, उससे स्किन पेल हो जाता है, और प्रोटीन पी के पाकिस्तान, प्रोटीन से क्वाशकार, प्रोटीन की डिफिशेंसी से क्वाशकार होता है, पी सी एम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डिफिशेंसी से मरसमस हो जाता है। अब एक रहता है आई जी, आई जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है ना, आई जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है, जब आपको आयोडीन की कमी होती है तो गोइटर हो जाता है, आई जी खुद जो पुलिस का आई जी होता है ना वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है ना आई जी, तो जब आप जब आपको आयोडीन की डिफिशेंसी हो जाती है तो गोइटर होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, यहाँ तक याद रहा, आपको ये इजी हो जाए इसीलिए मैंने थोड़ा सा निमोनिक्स बताया। तो हमने आज दो चैप्टर्स पढ़े इस एनसीईआरटी जो क्लास सिक्स की जो है बेसिक साइंस था उसमें से, तो बराबर ये हम ट्वेल्थ तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आपको बैच में जुड़ना है, हमने जे के एस के लिए 2023 के लिए लॉन्च किया है बैच, उसमें रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, कुछ दिन के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको डब्ल्यू एस अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है बैच में, और वी एल डब्ल्यू की जो बैच है वो भी चल रहे हैं, उनकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करेंगे सो दैट मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा मिले, एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप इसको कंटिन्यू चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं आपको सारी बेसिक जो है साइंस की एनसीईआरटी 6 और 12th क्लास हम जो है कंप्लीट करेंगे, तो शाम को 8:30 बजे आपको
इंडियन पॉलिटी जो है बेसिक एनसीईआरटी से ही वो भी मिलता है 6th to 12th क्लास, उसमें हम 7th क्लास आज कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट इसका भी मैं बना के रखूँगी, आप वो चेक कर लेना, ठीक है। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।